ना जाओ ना पता का दाता सारा करिए कर जा रही इन करी गो बाबू कहिए बाबू जे की फौजी का रुपया टाप पे सबे जना चले हो बाबू जरा दे कर गो बाबू हो बाबू बेटा दम चढ़ने छ हो बाबू बेटा दम चढ़ने छ जे मयो बेटा लकड़ी लगा छ कमे तक कमे तक जे मयो मुरा बेटा लकड़ी लगा छ कमे तक पता बस बेटा टका बदल कर जाब लग थैल उ जरी के लगे मयो पछुआ हवा से चूल्हे की चिंगारी से फैली आग से 40 घर जलकर स्वाहा लाखों का नुकसान। पछुआ हवा में चूल्हे की आग से निकली चिंगारी ने 40 परिवारों के आशियाने को किया खाक। जब तक ग्रामीण को समझ पाते तब तक आग ने ले लिया विकराल रूप। रुपया मवेशी और घर का सभी सामान जलकर हो गया राख। मौके पर पहुंची चार दमकलों ने किसी तरह से आग पर किया काबू। कुर्सेला प्रखंड के पत्थर टोला गाँव की है घटना। घटना ऐसा कि लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा, ना तो रहने को, ना तो पहनने को और ना तो खाने को। रुपया पैसा जेवर अनाज कपड़ा मवेशी सब का सब स्वाहा। बताया जाता है कि गांव में भरी दोपहरिया में खाना बनाने के दौरान आग की चिंगारी निकली। पछुआ हवा तेज चल रहा था और सब कुछ अचानक से खत्म हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि ग्रामीणों को संभलने तक का भी मौका नहीं मिला। अपने घर से कोई कुछ सामान को भी नहीं निकाल पाया, ये भी मौका नहीं मिला। कुर्सेला प्रखंड का पत्थर टोला गांव की आबादी लगभग 400 है। इसमें से आधे परिवारों की जिंदगी इस आग ने तबाह कर दिया। इस गांव के अधिकांश लोग गंगा कोसी नदी से मछली मारकर अपना जीवन यापन करते थे, तो कुछ लोग मजदूरी तो कुछ लोग किसानी। आप देख सकते हैं कि ये गरीब लोग अपने जीवन की कमाई को ट्रंक में रखा था और इस आग ने सब कुछ खत्म कर दिया। इन्हें अब भी उम्मीद है कि जले हुए ट्रंक के अंदर शायद कुछ सामान बचा मिल पाए। गरीबों ने काफ़ी मेहनत कर थोड़ा थोड़ा रुपया जमा कर रखी। पीड़ित महिला और पुरुष की लाखों रुपए को आग ने ले लिया। बचा कुछ तो बस राख और खाक। घर में रखे गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गया और सिर्फ उसका ढांचा बचा हुआ है। पशु बकरी बतख सब के सब जल गए। आखिर कौन समझेगा इन पीड़ित परिवारों का दर्द? आखिर कैसे हो पाएगा इनके द्वारा मेहनत मजदूरी कर बनाए गए घर, सामान और रुपयों की पूर्ति? घटना वाकई मर्माहत करने वाला है, हृदय विदारक है। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत मौके पर कई दमकल पहुंचकर किसी तरह आग के तांडव को बुझा दिया। फिलहाल स्थानीय प्रशासन पीड़ित परिवार और हुए क्षति का आकलन में जुट गई है। कितना पैसा छलो? 50,000 छलो हो बाबू। सब जली गेलो? हां सब जली गेलो बेटा हो। बकरिया जब है वो बकरी जला सब 50,000 टका रे हो बाबू। सब जली गेलो हो बाबू। कुछ नहीं बचला? कुछ नहीं बचला हो बाबू। 50,000 टका कोई बोरा बकरी जली गेले। बहुत बोरा बकरी जली। देख की तो सब 50,000 टका रे हो बाबू। बेटा रह लिए बाबू। हम बेटी की शादी होला रे। गरीब आदमी विकलांग आदमी कमा के मैं रख ली घर बनावे के लिए पैसा सब जल गया। 1.5 लाख पैसा जल गए। नगद था 1.5 लाख रुपया? नगद रुपया और पूरा रकम कपड़ा लत्ता जेवर उवर सब की सोना चांदी सब चीज जरी। कितने बजे लगभग आग लगा है? टाइम नहीं देखे, करीब वही 12-1 बजे लमसम में होगा। सब चीज जल के खत्म हो गया? कुछ नहीं निकाल सके। मुर्गी जर गया मेरा, बत्तख सब जर गया। अच्छा, आग कैसे लगा कुछ पता चला? ये सब पता नहीं है सर। कौन सा गांव है? पत्थर टोला। क्या नाम हुआ आपका? बबलू मंडल। कौन सा गांव भाई? पत्थर टोला। कैसे आग लगा? खाना बनाने के क्रम में। कितने बजे के लगभग आसपास का घटना होगा? ये जो है लगभग 12 बजे का। अच्छा, कितना घर जल गया होगा? 50 से 60 घर जल गया। 50 से 60 घर जल गया। कुछ नहीं बच पाया? कुछ नहीं बच पाया, निकाल भी नहीं पाया सामान। अच्छा, कितना का आबादी होगा यहाँ पे? यहाँ पे 400 का आबादी। तो ये जो दमकल वगैरह आई है वो आग लगने की कितने देर बाद आई? ये 3 गाड़ी जो आई आग लगा उस समय। हाँ। बड़ा गाड़ी जो है अभी आई। अभी आई आग भुतने के बाद। लगभग कितना का नुकसान हुआ होगा? लगभग जो है ना करोड़ों का नुकसान है। क्या नाम हुआ आपका? दीपांशु कुमार। इसी गाँव के आपके? इसी गाँव के।